हमारे साथ पप्पू यादव हैं, छपरा आए हैं। सर, 21 तारीख को हिंसा हुई, 3 लोगों को गोली लगी, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, 1 की मौत हो गई, 2 घायल हैं जिनका पटना के PMCH अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहाँ आप उन लोगों से मिलने गए थे, उनके परिवार से मिले, यहाँ जिनकी मौत हुई आप उनके परिवार से मिलने आए हैं, साथ में जो लोग पटना में भर्ती हैं उनके कुछ परिवार के सदस्य यहाँ भी हैं, तो आप मिलने हैं, तो आपको रोक क्यों दिया गया, आप होटल में बैठे हुए? ये तो प्रशासन से पूछिए। एक तरफ आप खुली आज़ादी दे रखे हैं बोलने की, और चुनाव के दिन भी प्रशासन से मिल करके BJP के गुंडे बूथ छापते रहे, और एक व्यक्ति कानून के तहत यदि कोई कैंडिडेट किसी बूथ पे जा रहा है और उसको राइट है कि आप पब्लिक से भी मिल सकते हैं, आप अपने एजेंट से मिल सकते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर से आप बात कर सकते हैं, और उनके साथ 5 आदमी चलने का ऑर्डर होता है निर्वाचन आयोग का, और उसके बावजूद जिस तरह पर्सनल अटैक किया गया, मेरा सवाल, आप यदि जेंस कोई होता आप लड़ लेते तो ये चलता, चुनाव में चलता है, लेकिन चाहे वो रूढ़ी जी का परिवार हो चाहे लालू जी का, राजनीति तो साथ ही शुरू किए लोग, लालू जी और रूढ़ी जी, राम बहादुर बाबू, जितने लोग प्रभुनाथ जी साथ में रह के राजनीति किए, चुनाव में जब तनाव भी होता है तो फिर आप एक हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम, कोई नई बातें तो है नहीं, हम मुबारकपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, रूढ़ी जी गायब थे और नेता गायब थे, बाढ़ आई तो गायब थे, जब 6-6 बार शराब में मरे तब भी गायब थे, और जब चुनाव आई तो ये बाइफर्केशन बैकवर्ड फॉरवर्ड का शुरू कर देते हैं। तो रूढ़ी जी हमेशा राजनीति को, राजनीति 4 तारीख को खत्म हो जाएगी, समाज को रहना है, समाज को आप क्यों तोड़ रहे हैं? और इस तरीके से जो BJP के गुंडों ने, कुछ बुजुर्गों ने भोंसरी ऐसे शब्दों का प्रयोग, कोई भी किसी भी जाति के नेताओं को, किसी भी जाति को पर्सनल गाली देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, किसी भी धर्म को गाली देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए या उसको चुनाव पर पाबंद लगाना चाहिए। जो गाली गलौज हुआ उसी की आलोचना रूढ़ी जी को करनी चाहिए, ये अपने को विद्वान समझते हैं, ये जाहिल पंडित हैं, और इनको कानून पर कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली में सरकार इनकी है और पटना में भी सरकार इनकी है, तो दोनों सरकार आपकी, तब भी आपको भरोसा नहीं, तब भी आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलेगी, जरूरत होगी तो आगे भी गोली चलेगी, और आप आक्रोश में आप जवाब दे रहे हैं। बगल में प्रधानमंत्री जी आए महाराजगंज, एक बार भी इतनी बड़ी घटना की आलोचना नहीं की उन्होंने, या उन्होंने दुख नहीं जताया, दोनों जगह गए आप, और आप उम्मीद करते हैं सभी समाज और सर्व समाज की वोट लेने की। तो रूढ़ी जी, सियासत तो अपने जगह पर, एक को खत्म हो जाएगी, आप चले जाएंगे दिल्ली, फिर नहीं आएंगे, हार के जीत के जो भी जनता की हो, लेकिन समाज को तो इसी चौक पे रहना है, घटना के लिए। और आपने तो फंसा दिया ना सबको, 302 का मुकदमा बना दिया। सुबह की घटना, मैं बार बार कहता हूं कि छपरा के लोग अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो भिखारी ठाकुर जी, JP, राजेंद्र बाबू, इस इलाके में जितने मुख्यमंत्री दिए हैं आप उठा के देख लीजिए, और लालू यादव जी जब भी रहे पहले, कभी भी उन्होंने आप यहाँ लालू यादव जी को हमेशा 25-30% राजपूत समाज का वोट मिलता रहा है, और जो गाली एक दिन पहले दिए उसको आप जाति से मत जोड़िए, उसको आप गुंडे से जोड़िए। घटना के लिए जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? BJP के गुंडों को, BJP के नेताओं को। अरे बाप रे बाप, आपकी मांग क्या है सर आपकी? रूढ़ी जी पर FIR दर्ज हो उस खाने का, और गाली दिया उन्होंने तो कहा गोली चलेगी, सेल्फ डिफेंस होगा, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, SPD ट्रायल हो, उस परिवार को 20 लाख रुपया मिले।
अभी आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं? निश्चित रूप से मदद तो हम तो हमेशा करते रहे। मुबारकपुर में कहाँ थे ये लोग? मुबारकपुर में तो दोनों परिवार समाज को 2-2 लाख रुपया हमने मदद की थी। जब बाढ़ में थे तो हर परिवार की मदद की। हुआ यही कि 20 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी तो रोहिणी आचार्य बूथ नंबर 318 पर अपने समर्थकों के साथ गई थी, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, फिर इन लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। वहां पर दोनों पक्ष में हल्की झड़प हुई, पुलिस रोक दी, लेकिन अगले दिन 21 तारीख को भिखारी ठाकुर चौक पे दो पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। पत्रकार जी, कोई समर्थक नहीं थे रोहिणी के साथ। 5 आदमी के बगैर प्रशासन चलने दे ही नहीं सकता। वहां जो लोकल लोग थे वही थे, रोहिणी के साथ कोई समर्थक नहीं थे। मैं आपको क्लियर बता दूं, और झड़प नहीं हुई, गाली गलौज हुई, पर्सनल अटैक हुआ। और दूसरे दिन इस माहौल में कि ऐसा क्यों हुआ बेटियों के साथ, उसमें विवाद बढ़ी, तो जो कानून को लिया आप उसको भी गिरफ्तार करिए। लेकिन जिन लोगों ने गोली लगातार चलाता रहा, कोई 2 आदमी 3 आदमी नहीं है इसमें, गोली चलाने वालों की संख्या 25-30 से ज्यादा की है। पहले से उतने हथियार थे, गोली चलाई गई, वो जाति नहीं, उसको जाति में तब्दील मत करिए। वो बीजेपी के गुंडों की तैयारी थी जो हमेशा छपरा को जलाना चाहता है, और हम छपरा में अमन चाहते हैं, और हमेशा छपरा को हम उस संस्कृति से देखना चाहते हैं जो छपरा जाना जाता है दुनिया में। इसीलिए अपील करते हैं कि जो काम जाहिल नेताओं ने किया है वो काम दूसरे पार्टी या दूसरे समाज के लोग ना करें। और छपरा चुनाव के चलते, सियासत के चलते छपरा के अमन को और छपरा के समाज को खत्म ना करें। शुक्रिया। देखिए, इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मृतक के पिता ने भी एक FIR दर्ज कराई है। वहीं रोहिणी ने जो आरोप लगाया है कि उन पर हमला किया गया है, उस मामले में भी एक FIR जो है वो दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News छपरा।